is I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want. Hello friends, very good morning. तो अभी हम जा रहे हैं अमरेली. थोड़ा बहुत डॉक्टर ने बोला कि दिखा के जाओ, वरना उधर भी मेडिसिन बोल सकते थे कि भाई हाँ ये ले लो, लेकिन उसने बोला एक बार दिखा के आ जाओ, बच्चा है इसलिए. और अभी एटमॉस्फेयर भी घूम रहा है इसलिए ज़्यादातर बच्चों को संभालना पड़े, वैसा हालत है. और मस्ती वाला आज का दिन बाद में शुरू करेंगे. और इससे पहले हम मिलते हैं हमारे निचरा से. निचरा गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तू एम कहती थी ना गुड मॉर्निंग नो बोला है, माँ देव बोला है. क्या? अरे यहाँ पे अवनी बा बाजी कटिंग कर रहे हैं. निचला तू क्यों करे थे बाजी कटिंग करो. पहले चलते हैं अमरेली. उससे पहले भाई पोंक के फार्म में कल गए थे, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा. तो इस तरह पोंक बनता है और धीरे धीरे रेडी करते करते आपको भेजते जाएंगे. और साथ में दूसरी कोई भी आइटम नहीं है. कचरियू था वो बंद हो गया है, उनकी जगह पे आया है पोंक. तो पोंक लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा क्योंकि पोंक हमने बहुत ज़्यादा स्टॉक किया है, क्योंकि पिछली बार भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर था. तो इस बार भी कोई रह ना जाए इसलिए पूरा स्टॉक करके अभी पोक रेडी हो रहा है. अभी फार्म पे मैंने जिस तरह दिखा है वहाँ पे काम शुरू है अभी पोक का. जैसे सूख के रेडी होकर आता रहेगा वैसे हम आपको भेजते रहेंगे. ठीक है, तो चलिए चलते अमरेली और उसके बाद जो जो भी आपका ऑर्डर है वो चलता रहेगा. जय सोमनारायण, जय सोमनारायण. वीराली उपवास करें तो पतली थई गई. ये कितना दिन फरक पड़ी जो वीराली गल गोटो ते मां. जय सोमनारायण मम्मी. हां घर पास याद आई गयो एनी को ना. लाल लाल टमाटर और सीटियां बजने लगी है. और किंजल के यहाँ पे किंजल मम्मी बहुत फोर्स किया, मम्मी के खा के ही जाना है. यहाँ पे किचन में वीराली ने झटपट झटपट. वीराली तुम क्या बना रही हो झटपट झटपट? भाजी. भाजी झटपट झटपट बनती है. अच्छा यहाँ पे नहीं खाने वाले थे लेकिन इतना फोर्स भाई कौन करता है. और यहाँ पे लीला लीला वटाणा, वाह क्या मस्त लग रहा है. टमाटर की मस्त ग्रेवी है और इसमें शायद भाजी बन रही है. यहाँ पे सोलर है इसलिए इस तरह सारी रसोई होती है. रोटी रम चल रही है अभी. तो ऐसा है किंजल, हम जब भी आते हैं अमरेली और यहाँ पे आके जाते हैं और परेशान करते हो तुम मम्मी को. और यहाँ पे वीराली का वगार चल रहा है मस्त भाजी का. तो बहुत ही बढ़िया मस्त भाजी बन रही है. अभी मसाला डाल दिया. अभी क्या डालना है वीरा? अब चढ़ेगी थोड़ी देर. अरे वाह, अभी हमारा जाएगा चटनी. तो चटनी ऑर्गेनिक चटनी है. ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक चटनी है. वीरा को भी मजा आ गया. मम्मी को पूछो कितनी परेशान करती है मम्मी. मम्मी यहाँ कितनी परेशान करती है जब भी मम्मी यहाँ पे अमरेली लाती है और आपसे रसोई बनवाती है. परेशान काहे नहीं, हमने बहुत गमे आवत है. देखिए माओ का तो ऐसा होता है, माँ को बच्चे भारी नहीं पड़ते. माँ के बिना कुछ आता ही नहीं. वो तो है सही. और पापा के लिए तो वहाँ पे करके रेडी आके आई. अच्छा वो ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है. वीराली ने भाजी बना दी है, पंगत में सबको बिठाना है, उसने उतनी भाजी की है पूरा भोर के. वाह, मेहनत खावानी वीरा? क्या भूख लगी? ना ना, अबे हम तो मने आनी सुगंध है ना, ता सर्दी हलवी पड़ेगी वो लागे. शानदार सलाद भी बन चुका है. वाह, तो आज तो भी मजो आ जावे गो. तो यहाँ पे दोनों बहन मस्त सो गई है. सब फैमिली टाटा बाय बाय कर रहे हैं अभी. बाय बाय. अरे ले तारे आवा नू धारे. अरे ले मुख आवी पड़जो. हाँ बेटा नहीं. हेलो बेटा आओ जो.
અડધા છોકરા તમને મળે રેડી થઈ ગયા બીમારી હોય જ અડધી હા હાલો આવજો જય સ્વામિનારાયણ તું હાલ તું એની ટાટા કરે આવજો हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग बहुत ही मस्त सुबह हो चुकी है और यहाँ रूही का नाखून कटिंग हो रहा है मेरे पापा नख काट रहे हैं और ये यहाँ पे चिल्लम चिल्ली कर रही है उसको अच्छा नहीं लग रहा मेरे पापा ने उसको यहाँ पे पालक बहुत ही मस्त है देखो हर रोज इसके एक एक पत्ते खाता हूँ मैं बहुत बढ़िया लगता है मुठिया बनाना है आज पालक का मुठिया बनाना है बहुत सारी आ गई है ना हाँ तो आज बनाएंगे खा लेते हैं और यूज भी हो जाते हैं हाँ, लेकिन कल कितना मजा आया कल तो बहुत मतलब बहुत मजा आया किंजल का अलग बहुत अच्छी अच्छी वाली चगाई हाँ बहुत मजा आया किंजल का अलग लुक भी अच्छा था लुक भी हाँ कमेंट करो लुक अच्छा लगा हुआ तो कमेंट करो और इसका डांस तो भाई डांस तो बहुत अच्छा था अच्छा था अच्छा क्यूटी क्यूटी डांस कर रही थी सॉन्ग के साथ प्रमोशन भी बहुत अच्छा लिया और इसको भी मजा आ गया है ना रूही रूही को भी बहुत आज छुट्टी है फेस्टिवल आते हैं तो बहुत मजा आता है माइंड फ्रेश हो जाता है फ्रेश हो जाता है राइट अच्छी बात है बहुत बढ़िया लगता है कल तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कल जींस में पहना था फर्स्ट बार मैंने पापा नहीं थे वरना मुझे शर्म आती तो कल बाकी शाकोत्सव भी बहुत बढ़िया हुआ शाकोत्सव में बहुत अच्छा सब साथ में ही था एक दिन में बहुत सारा एंजॉय था शाकोत्सव भी थे और उत्तरायण भी थे सब साथ में थे तो बहुत मजा आया आज भी थोड़ी बहुत पतंग चगाएंगे देखते हैं टेरेस के ऊपर जाएंगे एंजॉय करेंगे मस्ती मजाक करते रहेंगे बाकी पोख का और मजा आता है तो मैंने झाजर बना के खा लिया लेकिन आप सबको नहीं बता पाई अच्छा वो पुराना पोख था अभी नया आएगा किंजल नहीं आएगा हाँ। और बाकी सबका क्या ऑर्डर है किंजल मुझे पता है जमा धमा के फोन पे ही बात सही में फ्रेंड्स आप सबका जो पोख का ऑर्डर है भाई लाजवाब बहुत सारे लोगों ने 20-20 किलो 25 किलो ऐसे ऑर्डर देते ग्रुप में तो मैंने कहा भाई आपको लिए मुझे और भी फार्म देखना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को पोक बहुत अच्छा लगता है तो गेहूं भी जितना हो सकता है रेडी हम करेंगे बस एडवांस बुकिंग सबका आ रहा है तो जितना हो सकता है जल्दी जल्दी हम आपको भेजना शुरू कर देंगे गुलाब काका राजू भाई गए काचरी के फार्म पे क्योंकि काचरी भी फिनिश है रूही का भी बर्थडे आ रहा है ना अच्छा अच्छा 19 को जनवरी को तो काका सब आ जाएंगे अच्छा हाँ चला लगी शांति में तुम्हें कितना मजा आता है सूरत में थे पुणे में थे लेकिन वहाँ पे शांति नहीं थी हाँ यहाँ पे है मतलब इतना सन्नाटा है सब कमाने के लिए बाहर जाते हैं लेकिन हाँ। वहाँ शांति नहीं है शांति तो यहाँ पे ही है सब नेचुरल यहाँ पे गांव में ही होता है हाँ। सिटी में तो नहीं होता वो तो हमें भी फीलिंग नहीं थी हाँ, वो तो हम यहाँ पे आए तब पता चला और वहाँ पे सब्जी भी अच्छी नहीं मिलती थी फ्रेश भी नहीं थी और दवा वाली सब सब्जी थी यहाँ पे तो हम घर का आ सकते हैं लेकिन किंजल काफी लोग आज भी मजबूरी में क्या करे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता जाना पड़ता है तो खाना पड़ता है इसलिए गए थे मजबूरी थी इसीलिए हाँ इसीलिए तो हम भी नहीं जाते ना हाँ इसीलिए ऐसा है यहाँ पे बहुत मतलब लेकिन शांति और सुकून तो यहाँ पे गांव में ही है और खाना तो खाने में खाना तो इतना टेस्टी लगता है गांव में कुछ नहीं डालते ना तो भी इतना अच्छा लगता है अच्छा लगता है सही में तो जितना भी आप डालो ना तो भी टेस्ट नहीं आता वहाँ पे ज्यादातर क्या शादी में गरम मसाला वगैरह कर करके स्वाद बढ़ाते हैं सब स्वाद बढ़ाते नेचुरल स्वाद नहीं होता तो यहाँ पे देख सकते हो आप ग्रीन ग्रीन जो पालक है ये मेथी है और ये रिंगड़ा देखो कितना बढ़िया है तो रिंगण के छोड़ में भी बहुत ज्यादा तो ये हमारा जो नेचर तो घर का ही खाते हैं बाहर हाँ। का तो बहुत कम लेना पड़ा मैं हम जब अमरेली से यहाँ आए थे तेरे पापा ने कितना भर दिया था तब तक अभी बाहर का नहीं लेना पड़ा और हमारी मूली 8 दिन से भी अभी तक ऐसा नहीं हुई प्लास्टिक की थैली में रखते हैं ना तो एक वीक कुछ नहीं होता फ्रेश ही होता कर रही हो मिट्टी से खेल रही है रूही मिट्टी से खेल रही है उसको मजा आता है देख निशरा चली गई है ना उसके घर बेटा अब तुम अकेले अकेले खेलोगी आरोही के साथ खेलेगी आजू बाजू में से आया है खिचड़ा आज भी पतंग चग रही है बहुत मजा आ गया बाबू तो खिचड़ो खाधो खीर नो खिचड़ो बधे आपणे देवानो एक लेवानो होय आया है खिचड़ा अब ये तो पात्रा बनाया है आज वाह बाबू वाह आज पात्रा बनाया आज आपने भी ढोकला बनाना था ना दोपहर में बनाएंगे अच्छा हमारा कल दोपहर में बाबू हम ढोकला बनाएंगे खाएंगे अलग ना पान से हम ढोकला बनाएंगे बाबू अरे बाबू तो क्या क्या डालते हैं पालक मेथी ना पान पची डोडा बाबू ने बोला डोडा का बिया डालते हैं तो बाबू कब बनाने वाले हैं
वो कुछ पात्रा का अभी बनाया है बाबू पात्रा चालू है चालू है ले तो आपसे पहले चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पात्रा वाह भाई वाह लाजवाब बहुत ही बढ़िया। तो हमारे घर पे पात्रा होता है तो इस तरह भी बनाते हैं अलग अलग आइटम बहुत ही बढ़िया ताजा मजा मजा आ जाएगा। क्या बाकी किंजल पात्रा बनाया मैंने बनाया बाबू ने बनाया बाबू ने बनाया अरे वाह हम कल वो ढोकला बनाएंगे ओके वेरी गुड चलिए और बाबा तय तो बाबू ये हम पात्रा बिना पर आओ ये गए चीकू पानी खोट मेरा चूचे हाँ कहाँ से हूँ हूँ जो ये तारे शू जो ये छे और मापा के घर आते हैं सिंगदाना खाने के लिए और मापा हर रोज उसको दो दो दाने देते हैं ना तो उसको मजा आता है यहाँ पे और मापा सिंगदाना देते हैं तो उसको अच्छा लगता है। हाँ यहाँ पे किंजल ने सबसे बड़ा रिंगड़ा काटा है आप देख सकते हो एक रिंगड़े पे बड़ा था मेरा फेस जितना बड़ा था और बाप रे एक रिंगड़े में बट्ठा पूरा घर पूरा गद बट्ठा तो एक रिंगड़ा है लेकिन इतना बड़ा ओड़ा कर दिया है कि पूरे घर को चलेगा देखो इतना बड़ा रिंगड़ा है। तो इसकी स्मेल भी आप नहीं हो यहाँ पे वरना आपको मिलती बहुत ही बढ़िया आती है। यहाँ पे अरुण बापा बैठे अरुण बापा अपना शाक उत्सव जय स्वामीनारायण अपने शाक उत्सव करो क्यारती थाय से अपने शाक उत्सव स्वामीनारायण भगवान लोहिया गाम मा पोते शाक उत्सव करो 60 मण रिंगणा अने 12 मण घी वाह स्वामीनारायण भगवान पोते बनावे अने एनी धोती होय ने यहाँ हळदर वाला हाथ ने आम लूवे आखा कलर वाला थई गया आपणे नो आम नो ओला रेमा होय रंगे इतला मसाला मसाला थई गया अने स्वामीनारायण भगवान एवो शाक उत्सव जोरदार कर्यो कि आजुबाजु ना गामडा लाखो भक्तो आव्या जमवा अने एटलू खाधु અમુક અમુક તો ઉભો થાવ ને વેળો ટીંગા ટોળી કરીને ઘરે લઈ જવા પડ્યા એટલું શાક ખાધું અને ભાવ્યું એટલું બહુ ભાવ્યું અને શાક જ નકરું ખાધું રોટલા હતા ને રોટલા પીડ્યા રહ્યા કારણ કે સ્વામિનારાયણ ભગવાને જે વઘાર મેં કયો હોય એમાં કોઈ બાકી નો તેદું હજી અટાણ આપણે શાક ઉત્સવ માં જઈ ને ઈ શાક બને ને એવું ઘેરે ન બને હા એ અલગ બને એ તમારે જોઈજો અને શાક ઉત્સવ કાલી મેં શાક ખાધું છે હું ઉભો માંડ માંડ થઈ ગયો એટલું શાક ખાધું વાહ ભાઈ સ્વામિનારાયણ ભગવાન નું જે છે ને કરેલું એ કોઈ દિયામાં કઈ બાકી ન હોય એમ જય સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ। તો બહુ હી બઢિયા ભાઈ શાક ઉત્સવ મેં સહી મેં બહુ હી મજા આ ગયા દિવ્યમય મોસમ હો જાતા હૈ हमारे जीवात्मा का कल्याण होने के लिए हम कैसा तत्पर होते हैं वैसा कुछ लगने लगता है तो बहुत फीलिंग कुछ अलग होती है। तो बहुत ही बढ़िया आज के लिए अब मिलते हैं कल कुछ नए अंदाज के साथ। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।